बिल्कुल जी, मेरे को लगता है कि हम सारों को ये समझना जरूरी है कि 1971 में जब यूएस ने 15 अगस्त 1971 को फिएट करेंसी लॉन्च करी, यानी कि डॉलर को गोल्ड की बैकिंग से हटाया, तो एक अलग मॉनेटरी सिस्टम बन गया। एंड उसके कारण अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ करेंसीज छपी, जिसमें वेस्टर्न वर्ल्ड ने एक वर्चस्व देखा। मगर कोविड लॉकडाउन के बाद जैसे जैसे इकोनॉमी में वापस ग्लोबलाइजेशन की जगह स्लोबलाइजेशन हुआ, उसके तहत पूरा जो मॉनेटरी सिस्टम है दोबारा रीवैम्प हो रहा है। एंड वो रीवैम्प का मतलब ये है कि जहां वेस्टर्न वर्ल्ड में एक तरह से इन्फ्लेशनरी सिचुएशन चैलेंजेस हैं, जिसके कारण वो सेंट्रल बैंक ड्रिवन डिजिटल करेंसी लाना चाहते हैं, जिसको हम ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी का नाम दे रहे हैं। हालांकि उसी का एक छोटा वर्जन उन्होंने 2008 में प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी, जिसको लोग बिटकॉइन के नाम से जानते हैं, उसको बैकडोर से एंट्री दिलवाने की इसलिए कोशिश करी क्योंकि जो 50 ईयर से जो अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ डॉलर छप रहे थे, वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड का इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ा रहा था। और अब उनको समझ आया कि जहां प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी का भी पूरा बोलबाला नहीं जम पाया, तो अब मेरे को लगता है G20 में जो मेन एजेंडा के तहत एक साइडलाइन में जो ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी लिखी गई है, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि उसके कारण पूरा ग्लोबल मॉनिटरी सिस्टम रीवैम्प होते हुए दिखना चाहिए हमें। जी, डेट और वैसे भी डेट अभी रिसेंट सस्टेनेबिलिटी पर भी बातचीत आगे बढ़ सकती है। भारत इसको लगातार पुश भी कर रहा है इस मोर्चे पर। बिल्कुल, अगर हम देखो हिस्टोरिकली भी हिंदुस्तान का जो तजुर्बा है देखेंगे, तो हमने जहां इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वर्ल्ड बैंक से कई तरह के लोन लिए, और हम समझ सकते हैं कि वहां से जो लोन हिंदुस्तान को दिए गए, ऐसे ही कई और जो कंट्रीज हैं जो अदर देन द वेस्टर्न वर्ल्ड कंट्रीज हैं, उनको लोन IMF या वर्ल्ड बैंक उन शर्तों पे देता है जहां पे उनकी इंडस्ट्रीज का एक्सपेंशन हो पाए। और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्ल्ड में किसी भी देश में एक्सपेंशन होने के लिए अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ डॉलर्स की सप्लाई यूएस करता रहा, जिसको बोलते हैं यूरो डॉलर सिस्टम, यानी कि सप्लाइंग डॉलर्स आउटसाइड यूएस, जिसके कारण वर्ल्ड को फ्लरिश होने के लिए डॉलर का सपोर्ट लेना जरूरी रहा। मगर हिंदुस्तान ने ऑफ लेट इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का सारा लोन उतार दिया है, और हिंदुस्तान कह रहा है कि हमें अब मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस चाहिए, एक सिंगल इंस्टीट्यूशन की बात नहीं करेंगे। और इसलिए मेरे को लगता है कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उसको डेट सिंडिकेशन या न्यू एज जो क्लाइमेट फंडिंग भी जो हो रही है, उसको भी न्यू एज मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन से फेस देने की कोशिश है। शायद मैं इसको एक नपे तुले वर्ड में यूं कहना चाहूंगा, जहां हमने कई सालों से डॉलराइजेशन जी देखा, वहां से धीरे धीरे करके डी डॉलराइजेशन का जो बोलबाला है वो और तेजी से गूंज रहा है। चलिए, तो कल सारी बातें सामने आएंगी धीरे धीरे। तो बहुत शुक्रिया इसे हमें समझाने के लिए सरल भाषा में। लेकिन अगले 2 दिन अहम रहने वाले हैं कि G20 की शिखर वार्ता से क्या बड़े मसले जो हैं आर्थिक सहयोग के वो निकल कर आएंगे। शुक्रिया डॉक्टर अमनचुक।